नमस्कार किसान भाइयों, आर्किबिडस में आपका पुनः स्वागत है। स्क्रीन पर आप लाइव देख सकते हैं, ये प्योर सोनाली का चेक्स है। अगर डे की बात करी जाए तो आज इसको छठवां दिन है। पांचवें दिन मैंने वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि पांचवें दिन बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। पांचवें दिन बारिश बहुत ज़्यादा होने के कारण इसके बल्ब में जो है पानी चला गया था और रात्रि के कालीन बल्ब जो है फ्यूज हो गया। बल्ब फ्यूज होने जाने के कारण बच्चे एक जगह इकट्ठे होने लगे और एक के ऊपर एक चढ़ बैठे, जिसके कारण एक बच्चे की रात में मृत्यु हो गई। अर्थात अगर मोर्टेलिटी रेशो की बात करी जाए तो 130 चिक्स में अभी तक सिर्फ 2 चिक्स की मोर्टेलिटी हुई। बाकी स्क्रीन पर आप लाइव देख सकते हैं, बच्चा काफ़ी तंदुरुस्त है, हेल्थी है और काफ़ी अच्छे से मूवमेंट कर रहा है। अगर दाने की बात करी जाए तो इसमें दाने के 2 बर्तन और पानी के 2 बर्तन लगा हुए हैं अभी भी। और नीचे के पेपर की बात करी जाए तो बारिश के कारण नीचे का पेपर गीला हो गया था, तो नीचे का पेपर भी अभी छठवें दिन मैंने हटा दिया है। क्योंकि ये बात हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप बच्चे पालें तो नीचे का जो रहता है बेस वो हमेशा सूखा रखें। आप इसमें बरूदा भी डाल सकते हैं, बरूदा मेरे पास उपलब्ध नहीं है तो बरूदा नहीं डाला। आप इसमें बरूदा भी डाल सकें, नीचे का जो स्पेस है वो हमेशा ऐसा रखें कि सूखा रहे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि एक बच्चे के पीछे ये बीट चिपक गई है। क्या रहता है, जब अपन गुड़ का पानी चलाते हैं 24 घंटे के लिए तो उस समय क्या रहता है, जो बच्चा गुड़ का पानी नहीं पी पाता उसमें बीट चिपकने की भी समस्या जाती है। स्क्रीन पर दिख रहा है कि एक बच्चे में ये बीट चिपकने की समस्या आ गई है। इसको अपन के रुई के माध्यम से धीरे धीरे करके इसको हटा देंगे, जिससे कि ये बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि छठवें दिन बच्चे तंदुरुस्त हैं, हेल्थी है, किसी बच्चे में किसी प्रकार की बीमारी नहीं है और बच्चा स्वस्थ है। आर्किबिडस चैनल को लाइक करिए दोस्तों, सब्सक्राइब करिए और नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे वीडियो को आगे देखते रहिए।